सारे अवार्ड फंक्शन हो या पुलिस को एक उत्साह देने का काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कल्याण जी के लिए? कल्याण जी के बारे में जितना बोलना उतना कमी है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये जीरो टू हीरो बनाएंगे। थैंक यू। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये बहुत बड़ा मेहनती इंसान है, मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ये बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सर। आने वाले ये एक बार दुबई में प्रोग्राम कर चुका है, अवार्ड प्रोग्राम कर चुका है, फिर से वो दुबई जाने वाले, क्या एक छोटे से जगह से ये होके फूल बेचने वाला आज दुबई में प्रोग्राम कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी दुबई में इन्होंने बहुत सारे शो किए, और वापस अभी सेकंड ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल फैशन शो 2023 वो अभी 16 मार्च को दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया है। मैं कल्याण जी भाई, उनके मिसेस अंकिता जाना और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से मुंबई पुलिस की कल्याण जी हमेशा खड़े रहते हैं, काम करते हैं, वो मुंबई पुलिस किस तरह से कल्याण जी को हेल्प करता है? कल्याण जी भाई ने हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी सहायता की है, कोरोना काल में तो इतनी बड़ी सहायता की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। कल्याण जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे एसीपी सर, आज आपके साथ में है, मुंबई पुलिस भी आपके साथ में है, सब लोग आज नया इकट्ठा परिवार से जुड़ा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को मैं नमन करता हूँ सर झुका के, क्योंकि मीडिया ही है जो मुझे बनाया है। मैं नमन करता हूँ मेरे बड़े भाई और हम सबके प्यारे लाडले एक ऐसे एसीपी जो नाम ही काफ़ी है, नाम ही ब्रांड है, नाम है संजय पाटिल साहब। मैं इनसे धन्यवाद करता हूँ साहब, आपको मैं नमन करता हूँ। आप जब भी मैं बुलाया तभी भी आप आए हैं, कभी भी आपने मना नहीं किया, इसलिए आपका नमन करता हूँ। संतोष दादा चौधरी जी को मैं नमन करता हूँ, दादा को बहुत सालों के बाद मैंने मिला, थैंक यू दादा। और मैं इतनी दूर से दादा आए यहाँ पर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज मेरे जो नया अध्यक्ष बने हैं शिव आर्यन जी को, मैं धन्यवाद करता हूँ गौरव अनिल शाह को, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु भाई को, मैं धन्यवाद करता हूँ दलविंदर जी को, मैं धन्यवाद करता हूँ मैं ताहिल कमाल खान को, मेरे दोस्त मेरा भाई अजय को जो मेरी ऑफिस को पूरा संभालते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कुसुम को जो बहुत अच्छी मॉडल है, एक्ट्रेस है कुसुम सिंह को। इसके अलावा धनंजय जी आए हैं जो बहुत बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उनका मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा मैं नवीन भाटी साहब को मैं नमन करता हूँ जो जिस तरीके से एडवोकेट है, और हमें अभी दो दिन पहले जिन्होंने साथ दिया मुझे, मैं उनको मैं नमन करता हूँ। पारस जी को मैं नमन करता हूँ, मैं लव शर्मा साहब को मैं नमन करता हूँ जो राइटर है, और मैं अब्दुल साहब को मैं नमन करता हूँ जो उमान का उनको अध्यक्ष बनाया गया, भजन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भजन। और मैं अब्दुल भाई जो जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट को हमारा स्वीकार किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा रिद्धा सर साहब को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पर मेरे प्यारे और जो मेरे सब मीडिया कर्मी आए, मैं सभी को नमन करते हुए सर झुकाते हुए आप सभी का, मैं सभी को हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरीके से आज हमने ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ, पोस्टर का इनॉग्रेशन हुआ, और कुछ लोगों को हमने चुना इस एनजीओ के अंदर, ये एनजीओ हमने शुरू किया था 2019 में, काफ़ी वादा आया था, सब मीडिया को पता है। 2020 में कोरोना काल आया, सब मीडिया को पता है, पूरी बम्बई को पता है कल्याण जी ने क्या क्या किया, मेरी टीम ने क्या क्या किया। 2021 में हमने कोरोना काल में 2020 में शो किया, 2021 में शो किया, 2022 में हमने दुबई का शो किया, अभी दिल्ली किया, अभी बॉम्बे हुआ, अभी फिर से हम दुबई करने जा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ खाली कहना चाहता हूँ, जो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं एक बच्चा हूँ, गरीब इंसान हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जो महिला प्रेसिडेंट, नेशनल महिला प्रेसिडेंट और जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है माय वाइफ अंकिता जाना, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरी तमाम जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे और जो लोग जुड़े हैं मेरी एनजीओ में, मैं उनको नमन करता हूँ जो आ नहीं पाए, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को मैंने बुलाया था आज।
DPIF की पूरी फैमिली को मैं नमन करता हूँ। और जिस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस कुछ नहीं सर, आपका सपोर्ट, आपका विश्वास, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। कल्ला जी, पिछले साल जो आपने दुबई में फंक्शन रखे थे, अवार्ड फंक्शन रखे थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, इस वक्त क्या तैयारी इस बार? दिक्कत बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वो पता है कल्याण जी पागल आदमी है और पागल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो दुबई में जो लोग हैं उनको लगा जो पागल आदमी आ गया वो सबको पागल बना देगा, और जो इंडिया में जो लोग हैं उसने दुबई को कांटेक्ट कर रहा है, भाई ये पागल आदमी को रुको नहीं तो भाई कुछ बड़ा हो जाएगा धमाल। रोकने का बहुत कोशिश किया लेकिन क्या होता, जिसके पास महादेव है उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास मेरे माता पिता गुरु का आशीर्वाद है, मेरे पास ऐसे महान हस्तियों का मेरा आशीर्वाद है, मेरे पास आप जैसे दोस्तों का मेरा आशीर्वाद है, इस मुंबई की माता रानी का मेरा आशीर्वाद है, इस मुंबई के महाराष्ट्र का जो देवी है कुल देवी माता उनका मेरा आशीर्वाद है, मुंबई देवी माता रानी का आशीर्वाद है, और मेरे जो मराठी बंधु है महाराष्ट्र में जो दिल में पना दिया है मुझे उनका आशीर्वाद है, सभी मराठी बंधुओं को, क्योंकि बंगाली आदमी को उन्होंने दिल में पना दिया, जगह दिया है, एक मराठी महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, लेकिन तभी भी उन लोगों ने हम जैसे बाहर देश बाहर स्टेट वाले को हमें जो जगह दिया, उन्होंने पनाह दिया है दिल में बसा के, मैं सभी मराठी बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। और इसके अलावा हम सब के राजा, महाराष्ट्र के राजा माननीय श्री राजे छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ, जो जिस तरीके से उन्होंने हम सबको इस धरती में आज कुछ कर पा रहा है तो सिर्फ उसके वजह से। तो मैं इतना ही कहना है, इस बार भी तैयार है, तैयारी से मैं कर रहा हूँ, पिछली बार थोड़ा सीख लिया था मैंने, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि वो सीखना पड़ता है। दुबई में बहुत सारे प्रोग्राम है आपका, मॉडल्स प्रोग्राम है, अवार्ड प्रोग्राम है, बहुत सारे 3-4 फंक्शन रखे हैं जी, पंद्रह मार्च को मेरा जो प्रोग्राम है द इंटरनेशनल एजुकेशन आइकॉनिक अवार्ड, जो हम पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड से जो एजुकेशन ये फील्ड से है उनको हम सम्मान कर रहे हैं। सेकेंड अवार्ड उसी दिन है मेरा इंटरनेशनल ब्यूटी अवार्ड, जो हमारी ब्यूटी जो जो मॉडल्स हो गया या ब्यूटिशियन जो चलाते हैं या ब्यूटी से जो काम करते रिलेटिव उनको उनका अवार्ड है। उसके साथ साथ में इंटरनेशनल हमारे बिजनेस और बिल्डर का ये है, जो पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन हैं बिल्डर हैं उनका अवार्ड है। इसके बाद हमारे ब्रांड है DPIF द लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड इंटरनेशनल, द सेकेंड टाइम हम लोग कर रहे हैं, ये 15 तारीख को है, चार अवार्ड शो है। 16 तारीख को हमारा मॉर्निंग में हमारा जो शो है जो फैशन शो हम लोग कर रहे हैं द DPIF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो, और शाम को हो रहा है इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स सेकंड टाइम इंटरनेशनल 2023 16 मार्च को शाम को होगा, जहां पर 75 स्टार बॉलीवुड के और टीवी के, जिसमें एक्टर है एक्ट्रेस है, जिसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है सिंगर है कॉमेडियन है, सभी टेक्नीशियन टीम है, ऐसे 75 लोगों को हम चुनेंगे और आधा हमने चयन कर लिया है, और उनका सम्मान होगा 75 स्टार का दुबई में। तो इसके अलावा हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछली बार नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जान है शान है, उनके जो छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी जी वो हमारे साथ में थे, BJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू जी जो मेरे गुरु जी हैं वो मेरे साथ में थे, BN तिवारी जी जो हैं FWIC के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ में थे, काफ़ी लोग यहाँ इंडिया से गए थे। इस साल भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, रामदास आठवले साहब जो मेरे गुरु जी हैं वो हैं, फगन सिंह कुलस्ते साहब जो मिनिस्टर भारत सरकार, इसके अलावा स्टेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट के, टूरिज्म मिनिस्टर कल्चरल मिनिस्टर जाजू साहब हैं, काफ़ी सारे और भी मिनिस्टर्स हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, जो हमारा इतना खूबसूरत जो भारतवर्ष 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरेटरी है, 35 स्टेट के जो कॉस्ट्यूम्स हैं उसका जो लोकगीत है जो टूरिज्म है उसका भूल चुके हैं, हम लोकगीत को भूल चुके हैं, हम मुन्नी बदनाम सुनते हैं, हम लोकगीत को नहीं सुनते हैं क्योंकि मॉडल का वो कल्चर है। और UAE का जो 7 स्टेट है जिसमें 1 स्टेट आता है दुबई, तो UAE का 7 स्टेट और इंडिया के 35 स्टेट, पहली बार इतिहास में दोनों कंट्री का एक साथ एक मंच में दुबई में
उनका टूरिज्म, उनका कल्चर, हमारा टूरिज्म, हमारे कल्चर एक साथ दोनों प्यार करके एक ही साथ में हम टूरिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में हम ये बता रहे हैं पिता माता गुरु, ये पिता माता गुरु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो आज भूल रहे हैं आजकल के जनरेशन, आजकल के युवा पीढ़ी कितना मैं चाहता हूँ ना भूले। आज माँ बाप का पैर छूना लोग भूल चुका है, मैं चाहता पैर छूए प्लीज। तो ये जो कल्चर है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं मुंबई में दो बार मैं रिप्रेजेंट किया, दिल्ली में दो बार किया, कोटा में मैंने किया है, अभी आसाम कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार इतिहास में ऑलरेडी हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। हमें अभी इस बार भी हमें लिप्का बुक को भेजा है, सबको हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में पहली बार दो कंट्री का टूरिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में। तो जिस तरीके से, जैसे मैं बंगाल से हूँ तो बंगाली जो लोकगीत है उसके ऊपर मॉडल रैंक करेंगे, हिंदी गाने में नहीं, इंग्लिश गाने में नहीं, अपने कल्चर के गाने पे जो लोकगीत है उसमें रैंक करेंगे और उस स्टेट का कॉस्ट्यूम पहनेंगे और उस स्टेट का चलेगा टूरिज्म। मतलब हमारे कितने खूबसूरत टूरिज्म है, कितने खूबसूरत कॉस्ट्यूम से कलरफुल अलग अलग स्टेट के, और कितने सारे भाषा है, कितने सारे हम लोकगीत है, वो चीज़ पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को देखने मिलेगा वहाँ पर दुबई में, क्योंकि दुबई पूरी विश्व का कैपिटल, बिजनेस कैपिटल हब है। तो वहाँ पे और दुबई के जो कल्चर है सात स्टेट के, वो कल्चरल उसको देखने मिलेगा। तो पहली बार हो रहा है तो मैं बहुत एक्साइट हूँ, मेरी टीम बहुत एक्साइट है, कुछ चीज़ नया हम लोग करने जा रहे हैं जो कोई दादा साहेब फाल्के टीम ने नहीं किया है। लेकिन एक सवाल है, पिछले साल आपके साथ में जो पुराना लोग जुड़े थे जी, कुछ लोग आपसे आप उसके ऊपर बहुत भरोसा करते थे जी, ऐसा सुनने में कि उसने आपको पीठ पीछे धोखा दे दिया, खंजर मारा, उसके कारण आपको खंजर मारा, जो टीम फिर से बनाना था। मैं एक ही बात बोल दो, मैं जब फूल बेचता था कांदीवली शंकर गली में, जब मैं फुटपाथ पर सोया करता था तब इनका डैडी मिले आते थे, इनकी मम्मी आता था मेरे फूल लेने के लिए, तो वो लड़का उनकी बेटा मेरे साथ में है, जो मेरे साथ में रहना है वो रहेगा, शिव आर्यन जी मेरे साथ में है, काफ़ी बाकी स्टेट के लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि हमारा साथ में हर स्टेट में हमारा लोग है, हर स्टेट में हमारा संगठन है, हर स्टेट में नहीं, हर कंट्री में, अलग कंट्री में भी है, जैसे US में है, फिलीपींस में है, इजिप्ट पे है, अभी हमने ओमान का दिया भाईजान को, UA का है, दुबई का, हर कंट्री में अलग अलग हमारा प्रेसिडेंट है, कंट्री हेड है, यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से भाई की तरह आकर भाई बोल के जिस तरीके से खंजर मारा पीठ में, कोई दिक्कत नहीं, मेरा महादेव है, मेरा महादेव संभालेगा उनको, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, कि महादेव सबको जन्म दिया है, उसके भी उसने दिया, मैं अमेरिका भी उसने दिया, तो महादेव देख रहा है, उसको उसका बदला मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ नहीं था, होता ना जो हम दूध पिलाते हैं उसके बाद हमें जहर पिलाते हैं, तो वही बात हुआ, मैंने दूध पिलाया, आज मुझे जहर दिया, कोई बात नहीं है, शिव भी शंकर भगवान भी जहर पी के नहीं कुछ हुआ था, तो मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो मुझे भी कुछ नहीं होने वाला जहर है। तो जिस तरीके से मेरे को पीठ पीछे खंजर मारा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ, काफ़ी लोग मुझे बोलता था, उसके वजह से काफ़ी सारे टीम का मैंने छोड़ा, नहीं मुझे वो चाहिए, हालांकि गौरव साहब मुझे बोलते थे, काफ़ी लोग छोड़ के गया मुझे, जो ये बनता रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, मैंने बोला नहीं, यही बनता रहेगा, तुम लोग जाओ, शायद ज़्यादा मोहब्बत कर लिया मैंने, तो उसे शायद मोहब्बत, किसी को पछताता नहीं है, तो मोहब्बत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो थैंक यू सो मच, मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा एक सवाल है जी, आपके ऊपर आरोप है जी, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपने चुराया किसी से, बहुत सारे लोगों ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यस यस, ये चीज तो पहले करना चाहिए था, थैंक यू, हमारे मिड्डे के पहले मिड्डे में थे भाई मेरे, और ऐसा ग्रेट क्राइम रिपोर्टर है, और शिवा भाई इज द एक ऐसा इंसान है जो उसने मुझे देखा है, जो मैं खुद पोस्टर लगाता था मेरी फिल्म का, खुद का फिल्म का, वो देखा है, शिवा भाई आपने सही बोला, दादा साहेब फाल्के 15 होता है, लेकिन एनजीओ जो गठन किया है सरकार ने, हमें दिया, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास बैंक अकाउंट है, हमारे पास
एमएसएमई है, आईएसओ है, टीएम है, और जो गवर्नमेंट का जो वो सर्टिफिकेट वो भी है, वो भी सेकंड सर्टिफिकेट, नॉट फॉर फर्स्ट सर्टिफिकेट, हमारे पास सब। लेकिन जो बाकी लोग जो कर रहा है उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता है, मेरे पीछे पड़ता है, पता नहीं, वो जो पीछे पड़ने वाला पीछे ही रहेगा, वो मैं तो आगे हूँ ना, पीछे पड़ने वाला पीछे रहेगा, तभी बात है क्यों पड़ता है आई डोंट नो। लेकिन अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल निकाला, मैं उस 15 जो दास फालके होता है उन सभी को मैं नमन करता हूँ, जो भी मेरे ऊपर बोलते हैं कल्याण जी आपने चुराया, मेरा भाई चुराया नहीं है, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा मैं दुबई तक लेके गया, दादा साहेब फालके छोड़िए, बड़े बड़े अवार्ड शो होते हैं दुबई के बाहर और दुबई में, किसी भी अवार्ड शो में दादा साहेब फालके जी का फोटो रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं तमाम मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर किसी भी अवार्ड शो में श्री दादा साहेब फालके जी को अगर किसी ने भी देखा है फोटो, तो मैं मुंबई छोड़ देगा, ये मेरा वादा है आपसे, मुंबई छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई गरीब लड़का अपने टीम को लेकर दादा साहेब फालके को अगर देश के बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहली बार इतिहास में हमारे बॉलीवुड को 109 साल हो गया किसी ने भी, इसके अलावा हमने बहुत सारे चीज़ हम कर रहे हैं, दादा साहेब फालके का स्टैचू ला रहा है, मैं तो बोलता 15 के 15 जो दादा साहेब फालके करता आओ मेरे साथ, प्लीज आप लोग आओ मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, मेरे साथ, हम सब मिलके पूरे 15 के 15 दादा साहेब फालके जो करना है सब मिलके, जो दादा साहेब फालके जी को नहीं मिला हम वो 15 के 15 मिलके देना चाहते हैं दादा साहेब फालके को भारत रत्न अवार्ड। हम चाहते हैं 15 के 15 शो करने वाले आओ मेरे साथ, हम सब मिलके श्री दादा साहेब फालके जनक, फिल्म के जनक, जन्मदाता, हमारा भगवान इंडस्ट्री के, उसको आज भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, हम देना चाहते सब मिलकर, आइए ना, 109 साल हो गया, किसी भी स्टेट में, किसी भी मुंबई शहर में इनका स्टैचू नहीं है, आइए ना, हम लोग सब मिलकर लगाते हैं। जब फिल्म शुरू होता है तो उनका फोटो क्यों नहीं आता, सेंसर बोर्ड को हम साथ में मिलकर ये बोलेंगे जो भाई देखिए जाना गाना मनोवधि के बाद उनका फोटो आना चाहिए, आज तमाम जो फिल्म लाइन में काम करते हैं एक्टर एक्ट्रेस टेक्निशियन टीम उनके घर में दादा साहेब फालके का फोटो क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसके वजह से हमारा घर चलता है, हम सब मिलकर बोलेंगे दादा साहेब फालके का फोटो वो तमाम स्टूडियो में क्यों नहीं, जहां जहां शूटिंग होता है दादा साहेब फालके का फोटो तमाम पिक्चर हॉल में क्यों नहीं है, तो हम सब मिलकर आओ, मैं तो भाई बोलता आओ, मैं तो गरीब आदमी, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास जेब में 100 रुपये ये मेरा पड़ा रहेगा, आओ ना, हम सब मिल के हम लोग करते हैं, किसी को ये मत बोलो कल्याण जी ये कर रहा है, कल्याण जी की भाई 20 साल 22 साल दे दिया कल्याण जी इस मुंबई शहर में, तभी भी अगर भीख मांगते रहेगा तो क्या होगा भैया, 22 साल दिया इस इंडस्ट्री में, इस मुंबई शहर में, 1999 में मैं बॉम्बे आया था, जब मैं एज था 13 साल, अभी 37 हो गया, 13 साल का गोटी खेलता था और भाग के आया, और उसके बावजूद अगर मैं कुछ नहीं कर पाएगा अगर, तो क्या फ़ायदा है ये मुंबई में आके इतनी मेहनत करके, अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरी मेहनत है, तुम भी करो तुम्हारा भी होगा, लेकिन किसी को बोलो मत, इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच शिवा भाई, थैंक यू सो मच ऑल टीम मेंबर, मैं चाहता हूँ मेरे और भी जो है लोग हैं वो बोले, मैं तो पूरा भरास निकाल दिया पूरा। थैंक यू कमर साहब, आइए इधर एक मिनट के लिए, कोई शहर में कोई सिक्योरिटी नहीं, काफी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिया, तो मीडिया की तरफ से आप लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों की टीम को बहुत क्या क्या कहना चाहेंगे सर, बहुत चाक चौक बंद, कोई मुंबई में हर जगह पुलिस तैनात थी और किसी तरह कोई घटना जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हुआ। उस दिन रात को भी हम 2 बजे तक नाकाबंदी कर रहे थे और सुबह 5:30 बजे हम हर एक थिएटर पे हमारी पुलिस का बंदोबस्त था ताकि ये कोई एक दुर्घटना ना घड़े और लोगों को कोई दिक्कत ना। मुंबई पुलिस जिंदाबाद। आदरणीय हमारे मित्र कल्याण जी ने हमको यहाँ पे बुलाकर दादा साहेब फालके के नाम से जो उन्होंने काम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में और देश के बाहर भी वो काम कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मालूम है हम लोग की मुलाकात हुई थी 5 साल पहले जी, उसके बाद आज हम मिल रहे हैं,
तो बहुत मेहनत आप कर रहे हैं और मुझे जो ये संस्था है दादा साहब फाल्के ने तो बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्रीज को दिया है, उनके माध्यम से हम लोग आज 109 साल आप जो बता रहे हैं, तो हकीकत में दादा साहब फाल्के का जो सम्मान है, जो उनका मान सम्मान होना चाहिए उस तरीके से हमारे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन आप एक कल्याण जी ने जो बताया मुझे, एक गरीबी से आगे आकर फिल्म इंडस्ट्रीज में 22 साल से लगातार काम कर रहे हैं, और ये काम करते हुए दादा साहब फाल्के क्यों सुना इन्होंने, तो दादा साहब फाल्के सुनने का मुझे, मैं अभी समझ में मेरे को जो आ रहा है कि वो जो उनका योगदान था तो बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए कल्याण जी जैसे पत्रकार बंधु जैसे शिवा साहब ने जो विचार ला, जो हमको पूछा कि आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, हम 100% उनको सपोर्ट करेंगे, और वही उन्होंने बताया ना 5 साल के बाद मिल रहे हैं, अभी इनका ये 2 साल से चल रहा है, तो हम क्योंकि दादा साहब फाल्के हमारे महाराष्ट्र के, हाँ इसके लिए हम तो उनको सपोर्ट जरूर करेंगे, और हमारे आदरणीय पाटिल साहब ने भी उनको भाई के जैसा सपोर्ट किया है, और हमारे जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं शिव आर्यन जी, बहुत टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, जो इस इंडस्ट्री से भी अलग लोगों को भी इन्होंने मदद की है, कोरोना काल में भी मदद की है, उसके पहले भी वो मदद करते आए हैं, हमारे गौरव भैया शाह जिन्होंने भी कल्याण जी को बहुत मदद की है, तो आए हुए सभी मीडिया के वरिष्ठ सभी पत्रकार भाई कैमरामैन और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप कल्याण जी को मदद करो, क्योंकि हम तो मदद करेंगे दिखेंगे नहीं, लेकिन आप जो मदद करेंगे वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हकीकत में कल्याण जी एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो कितना भी काम करेंगे मीडिया में अगर नहीं आता है, किधर दिखता नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है, इसलिए मैं आप सभी को जय महाराष्ट्र बोलता हूँ, भारत माता की जय, और आप कल्याण जी को सपोर्ट करो, यही आपको मैं इस शुभ अवसर पर और हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष है शिव आर्यन जी को भी बधाई देता हूँ कि आप दुबई में अभी जाने वाले अगले महीने में, तो आपके साथ तो बहुत सारे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको भी बधाई देता हूँ और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और हमारे पुलिस खाते में जो काम करते हैं, पुलिस का आपको मालूम है इतना बड़ा रोल रहता है समाज में, जो समाज में सुव्यवस्था रहने के लिए वो पूरी मदद पूरा अपना योगदान देते हैं अपने परिवार को, देखो इनका हमारे पाटिल साहब के, मैं पुलिस मित्र संगठन में काम कर रहा हूँ 22 साल से, मेरी संगठन 2011 में दिल्ली से रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन पुलिस का जो काम है हम लोग को लगता है कि किधर अगर कुछ थोड़ा भी होगा तो ज़्यादा उसका ये हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत है, जब ये शाम को घर पे जाते हैं तो बच्चे सोएले रहते हैं, सुबह जब ड्यूटी पे निकलते तो बच्चे सोएले रहते हैं, मुलाकात भी नहीं हो पाती है, ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़ता है और बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे, और हमको कल्याण जी ने यहाँ पे बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसलिए मैं फिर से उनकी टीम को और हमारे भाई शिव आर्यन जी को गौरव जी को बधाई देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। क्वेश्चंस थे जो आपने कल्याण जी से किया था, मैं उसका बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफ़ी पुराने हैं, हमारे जानकार भी हैं, तो क्या है कोई भी इंसान अकेला ही निकलता है फिर काफिला बनते जाता है, अगर आपके विचार सही हों आपके कर्म सही हों आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है और उसमें लोग जुड़ते जाते हैं, काफिला बन जाता है, यहाँ तक कि कोई भी इंसान जब बच्चा पैदा होता है किसी माँ बाप के द्वारा पढ़ाया जाता है वो फॉरेन चला जाता है, उसके साथ पूरी पीछे पीढ़ी नहीं जाती है, ना ही उसके अपने लोग जानते, वहाँ जाते हैं फिर एक नया समाज बनता है उनका, वैसे ही कल्याण जी आगे बढ़ रहे हैं, इनके पीछे लोग जुड़ते जाएंगे, पीछे छूटने वाले छूटते जाएंगे, आगे जुड़ने वाले जुड़ते जाएंगे, मकसद नहीं खोना चाहिए। दूसरा आंसर क्वेश्चन था आपका कि आपने ये अवार्ड चुराया, आप एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, या भगवान शिव हों, या अल्लाह हों, कोई भी हों, अगर उनके नाम से कोई काम करता है तो उसको चुराना कैसे कह सकते हैं, वो हमारे आइडियल हैं, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दादा साहब के नाम से हम अगर कुछ आगे बढ़ाते हैं तो इसको चुराना नहीं बोलते हैं, इसको सपोर्ट कीजिए, उनके नाम की हम कीर्ति फैला रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर ले जा करके उस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर सपोर्ट होना चाहिए, ना कि किसी को ये कहना चाहिए कि आपने इस चीज़ को चुराया है, ये कुछ किया है, तो अगर क्रिटिसाइज बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए, मैं बोलूँगा शिव भगवान शिव के नाम से कुछ चला रहा हूँ या महात्मा गांधी के नाम से कुछ चला रहा हूँ,
तो केंद्र वाले आके मुझे जेल में डाल रहे कि महात्मा गांधी से कैसे चुरा रहे हो, वो तो हमारे बापू है। ये तो गलत है, काफ़ी गलत क्वेश्चन है ये, लेकिन आपने किया बहुत परफेक्ट किया। रीजन क्या है, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इसको चुराना नहीं बोलते हैं, इसको अर्श से फर्श पे पहुंचाना बोलते हैं। आपने जो काम नहीं किया उस काम को हम कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इन्होंने जैसा कहा ये परफेक्ट है, बहुत ही सही बात है। इनफैक्ट मेरा भी शूट रोल होता है तो वहाँ पे दादा साहब का हम लोग मतलब लिटरली हम लोग कोई फ़ोटो नहीं रखते हैं, ना ही हमारे घर पे दादा साहब का कोई फ़ोटो होता है। तो सच में जिनकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में हमेशा माँ बाप के, भगवान की, सबकी तस्वीरें रखते हैं। तो एक्टर जब आते हैं मुंबई ये सपने लेकर के कि मुझे इंडस्ट्री में स्टार बनना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके आइडियल, हर जगह का एक आइडियल होता है, गॉडफादर होता है लाइक, तो दादा साहब तो उसके गॉडफादर हैं, तो अपने गॉडफादर का फोटो तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही कह रहे हैं, जैसे लोगों में ये बात रहना, जो लोग बाकी जो अवार्ड करते हैं वो लोग के बीच में ऐसे चर्चा ही चर्चा रहता है, हमेशा चर्चा रहता है, ये सुनने को मिलता है कि कल्याण जी हर महीने क्यों रखता है अवार्ड फंक्शन। अलग अलग ब्रांड, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है और सिंपल सा लॉजिक है। क्या है ना, अभी जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में है, तो हर फील्ड के लोगों को, मान के चलो एजुकेशन से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, फिल्म से रिलेटेड हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग सेक्टर को एक दिन में हम कैसे कर सकते हैं, क्या बात है। उसके लिए हमें काफ़ी गैप देना पड़ता है और एक महीने बाद नया प्रोग्राम करते हैं। रीजन क्या है, एक साथ हम उसको भुना नहीं सकते हैं और सभी लोगों को एक साथ इनवाइट भी नहीं कर सकते हैं और भूल भी जाएगा वो, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये तो ऐसा आरोप लगाता है कि कल्याण जी हर महीने अवार्ड फंक्शन करते हैं, इसका पीछे का रीजन क्या है? मैंने आपको बता तो दिया, आपने रीजन अलग बता दिया, लेकिन जो पब्लिक जो मार्केट में, मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उनका जेब से पैसे लेकर करता हूँ, इसलिए वो जैसा बोलता है, मेरा जेब से नहीं होता है बेसिकली। वो इसलिए बोलता है कि उसका जेब से पैसा ले करता हूँ, भैया मेरा जेब से पैसा ले करता हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं रोज फ्लो करूँ, जेब में तो पैसा मेरा होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ गौरव शाह हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, नमस्कार। सबसे पहले मैं बोल दूं कि दादा साहब फाल्के गठन तो 2 साल हुआ है, मैं भाई को पिछले 15 साल से जानता हूँ और इससे पहले कभी चाहे हम लोग अवार्ड शो करते थे, जैसे कि दार्जिलिंग मूवी न्यूज़ पेपर है सर, तब से जुड़ा हूँ 2013 से और तब से मैं उनके साथ खड़ा हूँ और कितने भी अड़चन आते गए उनके साथ में, आज तक हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, डट के खड़े और साथ में खड़े रहिए, मैं भी साथ में खड़ा रहूँगा। और आने वाला जो शो है हमारा दुबई का वो भी इससे काफ़ी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। जो डिस्टर्बेंस था बीच में हमारे अंदर जो जो चाहिए था वो निकल गया इसलिए हम अभी हमको लगता है कई अच्छा शो हमारा हो गया। आप कल्याण जी के सारे हैं, कल्याण जी और हम लोग है ना पहले शो में भी साथ थे दुबई में और काफ़ी बहुत अच्छा शो रहा था पहला हमारा, इस दफ़ा भी हम साथ में हैं कल्याण जी के, और इसके लिए कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई कि दोबारा उन्होंने बहुत जल्दी हिम्मत करके सारे काम को आगे लेके चल रहे हैं। पिछला शो भी बहुत काफ़ी आर्टिस्ट थे, काफ़ी अच्छा गया था, इस दफ़ा भी सारा अच्छा ही जाएगा, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से कल्याण जी इज़ लाइक अ ब्रदर मेरे लिए, छोटे भाई जैसा मेरा, उसने मुझे कनेक्ट किया और कहा कि मैं दादा साहब के लिए कुछ कर रहा हूँ और जिस फैमिली से मैं हूँ हमारा ऑब्वियसली बनता है कल्याण जी से जुड़ना, क्योंकि दादा साहब फाल्के उनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी बेस्ट विशेज उसके साथ में है, जितना हमारे साथ हो सकता है हमारे पावर में है, बॉलीवुड को साथ में लेके उसके साथ जो कर सकते हैं वी विल ऑब्वियसली सी टू इट दैट इट गोज़ बिग। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और बस यही कहना चाहूँगा कि कल्याण जी जिस तरह से मेहनत करते हैं और हज़ारों लोगों को सम्मान देते हैं,
जिसमें सभी फील्ड के हैं, और सम्मान एक जड़ी बूटी की तरह होता है और कलाकारों के लिए भी बहुत ये सम्मान जो है मायने रखता है। जैसे कि कलाकार के लिए तो ऐसा होता है जैसे कोई जड़ी बूटी मिल गई एक बीमार आदमी के, तो इसका ये सम्मान जो होता है। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो ये कल्याण जी इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप पहला ही अवार्ड, आज तक जितने भी प्राइवेट अवार्ड थे जो मीन्स बाहर विदेशों में होते थे, जो पहला अवार्ड है जो फिल्म इंडस्ट्री का सही मायने में जो अवार्ड है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो ये अवार्ड पहली बार इंडिया से बाहर करने वाला जो इंसान है वो कल्याण जी जाना है। और कल्याण जी जाना जिस तरह से ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और हर एक इंसान को अपने साथ लेके जोड़ के चलते हैं, तो मैं मीडिया से भी और देश विदेश जहाँ तक भी लोग मुझे सुन रहे हों, कल्याण जी को खूब सपोर्ट करें, खूब सारा अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, दुआएं दें, ताकि ये इसी तरह से काम करते रहें और ज़िंदगी में छोटे बड़े सभी फील्ड के लोगों को सम्मान देते रहें। सम्मान मिलना अपने आप में, आपने सुनी होंगी बहुत सारी कहावत है कि पैसा तो कोई भी कमा लेता है लेकिन नाम और इज्जत मान सम्मान कमाना ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए कभी कभी पूरा जीवन भी समाप्त हो जाता है आदमी को कमाने के लिए। पैसा तो आप पंचर जोड़ोगे, साइकिल का पंचर जोड़ोगे उससे भी कमा लोगे, लेकिन ये मान सम्मान कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरह से ये मान सम्मान कमा रहे हैं और मान सम्मान सबको दे रहे हैं, आप सब इनको खूब सारा मान सम्मान दें, खूब सारा प्यार दें, खूब सारी सपोर्ट करें। जैसे कि बीच में दुबई में जो अवार्ड शो हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मैं दुआ करूंगा कि इस बार इनको वो सारी दिक्कतें ना आए, इस बार ये खूब अच्छे से इस अवार्ड को करें और खूब सारा इनको प्यार मिले और सभी कलाकारों को खूब सम्मान मिले। आप सबका, आप सब जितने भी भाई हैं, हमेशा आप सबका प्यार खूब सारा रहता है, हम सब पे इसी तरह बना रहे मैं चाहता हूँ। आप सबका प्यार हमारे ऊपर, कल्याण जी के ऊपर, हम सब के ऊपर इसी तरह बना रहे, क्योंकि आप हैं तो मोदी जी हैं, आप हैं तो शाहरुख खान हैं, आप हैं तो कल्याण जी हैं, आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद, दुआएँ देते रहें ताकि छोटा छोटा कलाकार भी ऊपर आ सके, छोटे तबके के लोग, हर फील्ड से लोग ऊपर आ सकें। वो आप ही लोग हैं जो ला सकते हो, तो आप ये सब कोशिश करते रहिए। छोटे बड़े सभी लोगों को आप भी सम्मान दें, उनको भी कहीं ना कहीं कोशिश करें कि वो लोग भी ऊपर आएं आपके माध्यम से, ताकि उनके भी खूब सारी फैमिलियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, उनको भी एक बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फील्डों में आदमी वो सब नहीं कर पाता है, ताकि वो बेचारा कामयाब भी नहीं हो पाता है। तो आप सब छोटे बड़े सभी तबकों को आप सब भी प्यार दें, ताकि वो लोग भी आपके माध्यम से कुछ कर सकें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कल्याण जी, कल्याण जाना साहब का। कल्याण जाना जी, आप इसी तरह से अपनी मेहनत और आप करते रहें, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मीडिया वाले सभी भाइयों को बहुत आदर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आप जितने भी आए हो सबको मेरा नमस्ते। मैं एक्टर कुसुम सिंह, मैंने बहुत सारे वेब सीरीज मूवी, साउथ की मूवी में काम किया है, तो फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला है जो कि दुबई में इसका शो है, मिस एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस दुबई, मिस एंड मिसेस दुबई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कल्याण जी एंड अनिल जी एंड अंकिता जना, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रैम करने के लिए चांस दिया, थैंक यू सो मच। सर आपके घर क्या कहते हैं? सर मैं इस संस्था का लीगल एडवाइजर, पर शोर बहुत हो रहा पीछे, मुझे अभी लीगल एडवाइजर बनाया गया, दो दिन पहले मुझे अपॉइंट किया गया है, और मैं लीगल एडवाइजर होने के नाते थोड़ा अलग कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने पत्रकार भाई ने सवाल किया कि भाई आप सम्मान लोगों को देते हो, तो सम्मान देना तो बड़ी बात होती है, नहीं तो वरना सम्मान तो लोग चाहते हैं, देने की कोई नहीं सोचता है। और बात ये थी, दूसरा सवाल था आपका कि लोग बोलते हैं कि ये दादा साहब फाल्के का आप क्यों करते हो, आपको किसने हक दिया? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ लीगल पब्लिक डोमेन में होता है,
अब दादा साहब फाल्के किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, पब्लिक डोमेन पे कोई भी अपनी चीज़ को उसको अगले तरीके से अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं हमारे कल्याण भाई दुबई में है, मैं उसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ। और कल्याण भाई को बोलना चाहता हूँ कि इस NGO के थ्रू आने वाले समय में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम करें और समाज में कुछ नए मुद्दों पे जागरूकता फैलाएं और कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आए। बस इसी के साथ थैंक यू।